कांग्रेस की सरकार में विंध्य किस रूप में दिखेगा? एक बड़ा सवाल, सत्ता में भागीदारी कौन करेगा? विधानसभा चुनाव 2018 के परिणामों पर अगर नजर डाली जाए तो सबसे आश्चर्यजनक परिणाम विंध्य में नजर आए, खासकर रीवा जिले में। रीवा की 8 की 8 सीटों पर कांग्रेस हार गई, जिसको लेकर स्वयं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व खासकर कमलनाथ ने भी आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा था इसकी जांच प्रदेश कांग्रेस कमेटी व निजी एजेंसी से करवाएंगे। इसमें ईवीएम की गड़बड़ी नजर आई या अफसरशाही की तो कठोर कार्यवाही की जाएगी। 15वीं विधानसभा के 18वें मुख्यमंत्री कमलनाथ के शपथ लेते ही उनके मंत्रिमंडल के बारे में बात होना प्रारंभ हो गई है। हम आपको बता दें, विंध्य में 30 विधानसभा सीटों में से 24 पर भाजपा और 6 पर कांग्रेस ने कब्जा किया है। अब सबकी नज़र इन 6 विधायकों पर आकर टिक गई है। अब देखना है इन 6 विधायकों में से वो कौन सा खुशनसीब विधायक है जिसे मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है। रीवा दर्शन की नज़र सीधी के सिहावल से लगभग 25,000 मतों से जीतने वाले कमलेश्वर पटेल पर आकर ठहर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा रीवा दर्शन की यह बात कितनी सच साबित होती है। वहीं माना जा रहा था नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल कांग्रेस की सत्ता में वापसी पर बड़ी भूमिका में नजर आएंगे, यह दीगर बात है विधानसभा चुनाव हार जाने के बाद भी भोपाल में उनका निवास C19 सत्ता का प्रमुख केंद्र बिंदु बनकर उभरा है। वहीं बात की जाए विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह की तो उनका विधानसभा अध्यक्ष बनना तय नजर आ रहा था। वहीं सुंदरलाल तिवारी का भी मंत्री बनना तय सा था, लेकिन इनके हार जाने के बाद विंध्य की पुरानी राजनीतिक तस्वीर बिल्कुल बदल सी गई है।